बुद्धि, न्याय और संगति। बुद्धिमान बनो, न्यायशील रहो और संगति अच्छी रखो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि कोई ऐसा आदमी मिले जो वर्जने योग्य से वर्जित करे, जो ताड़ना भी दे और जो बुद्धिमान हो, तो उस आदमी का कहना ऐसे ही माने जैसे किसी खजाना बताने वाले का जो उसका अनुकरण करेगा। उसके लिए यह अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। जो सख्त सुस्त कहता है, जो शिक्षा देता है, जो अनुचित कर्म से रोकता है, उससे सत्पुरुष प्यार करते हैं, असत्पुरुष घृणा। सब पापी पुरुषों की संगति न करें, नीच पुरुषों की संगति न करें। सदाचारियों को मित्र बनाएं, जो धर्मामृत का पान करता है वह भी प्रसन्नचित से सुखपूर्वक रहता है। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपदिष्ट धर्म में पंडित आदमी सदा सुखी रहता है। पानी ले जाने वाले जहाँ चाहते हैं वहाँ पानी ले जाते हैं। जो बाण बनाने वाले हैं वे बाण को सीधा करते हैं। बड़े लोग लकड़ी को सीधा करते हैं और पंडित जन अपने आप को विनीत नियम अनुसार चलने वाला बनाते हैं। जिस प्रकार एक घन पर्वत वायु के झोंके से हिलता डुलता नहीं, उसी प्रकार पंडित जन निंदा प्रशंसा से विचलित नहीं होते। धर्म सुन चुकने के अनंतर पंडित जन गहरी गंभीर झील की तरह शांत हो जाते हैं। सत्पुरुष सभी परिस्थितियों में सम बने रहते हैं। सत्पुरुष इच्छाओं की तृप्ति के निमित्त कभी मुंह नहीं खोलते। वे सुख व दुख का अनुभव होने पर ऊंचा नीचा भाव प्रदर्शित नहीं करते। जब तक पाप कर्म पकता नहीं, तब तक मूर्ख आदमी इसे मधु की तरह मधुर समझता है, लेकिन जब पाप कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। जब मूर्ख आदमी पाप कर्म करता है तो वह नहीं जानता है कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, लेकिन वह आग से जले की तरह अपने पाप कर्मों से जलता है। जागने वाले की रात लंबी होती है, श्रांत आदमी का योजन लंबा होता है, धर्म न जानने वाले मूर्ख आदमी का जीवन लंबा होता है। यदि आदमी को अपने से श्रेष्ठ व अपने समान साथी न मिले तो उसे अकेले ही अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मूर्ख आदमियों की संगति अच्छी नहीं। यह मेरे पुत्र हैं, यह मेरा धन है, यही सोच सोच कर मूर्ख आदमी दुखी रहता है। अपना अपना ही आप ही न अपना नहीं है, वहाँ पुत्र और कहाँ धन। जो मूर्ख आदमी अपने को मूर्ख समझता है, उतने अंश में वह भी पंडित है। असली मूर्ख वह है जो मूर्ख होकर भी अपने आप को पंडित समझता है। यदि एक मूर्ख आदमी जन्म भर भी किसी पंडित की संगति करे तो भी वह सधर्म को नहीं जान सकता, जैसे कड़छी दाल के रस को। लेकिन कोई मेधावी यदि मुहूर्त भर भी पंडित की संगति करे तो भी वह सधर्म को जान ले सकता है। दुर्मेधा मूर्ख स्वयं अपना शत्रु आप होता है, क्योंकि वह ऐसे पाप कर्म करता है जिनका फल कटु होता है। उस कार्य का करना अच्छा नहीं जिसके लिए आदमी को पछताना पड़े, जिसका फल रोते हुए भोगना पड़े। नमो बुद्धाय।